दोस्तों, तो ये रोड के पास में ही मंदिर है, ये भी दीबा माँ का ही मंदिर है। जो श्रद्धालु ऊपर नहीं जा पाते हैं तो वो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये है माता रानी का मंदिर। गाइस अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नितिन और पुचकू और यहाँ पर एक करण भाई और वो रहा मुनेन्द्र प्रसाद यानी कि मुन्नू। देखो क्या खतरनाक, क्या बढ़िया बुरा से फूल लग रखे हैं यहाँ पे, और वहाँ पर भी हैं। ये सबसे अच्छा ये लग रहा है, ये वाला पेड़ पूरा भर रखा है फूलों से। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमन सोनी ब्लॉग पे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है पौड़ी गढ़वाल के एक खूबसूरत से क्षेत्र विरोखाल से और माँ दीवा के मंदिर से। तो यहाँ ऊपर है माँ दीवा का मंदिर और हम सब आ रखे हैं। आज का जो सफ़र है बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, और यहाँ पे लगता है माँ दीवा का मेला। तो यहाँ काफ़ी चढ़ाई है और बहुत लंबा रास्ता है, तो इस वजह से बहुत सारे भक्तजन यहाँ पे आते हैं। दोस्तों, जो माता रानी का मंदिर है वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पे है, तो यहाँ हर किसी के आने की बस की बात नहीं है क्योंकि रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन माता रानी का जो आशीर्वाद है उसकी सहायता से, यानी कि जो माता रानी की जो कृपा है, उस कृपा की वजह से हम कब यहाँ पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला। और जो हमारा सफ़र है बहुत अच्छा रहा। तो आगे के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी हम वापसी कि हम यहाँ से घर तक का सफ़र देखने को मिलेगा आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो ये है ये पार्ट थ्री है मेरे ब्लॉग का, पार्ट थ्री आप देख रहे होंगे। ये है मेरा देवर पीयूष और पीछे करण और ये दोनों बंदरिया। हाँ, ये दोनों सहेलियाँ। निकू भागे मत, किसने का बहुत जरूरी। मैं आगे का सफर दिखाऊंगी आपको। तो ये है, ये बहुत ही घना जंगल है, बांज बुरांस से घिरा हुआ जंगल है और यहाँ लकड़ी घास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ मम्मा, और अभी बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर में ही हैं, वहाँ पूजा चल रही है। हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, उस वजह से हम जल्दी से हमने दर्शन किए और हम नीचे को आ गए। अभी हमने नाश्ता पानी तो कर लिया है और चलते हैं घर की ओर। तो रास्ते में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों से रूबरू करवाऊंगी। तो साथ में मेरी देवरानी भी है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी अभी ऑटो रोटी चली कर लगनू, तब जरा कुबलाट नहीं होना। लक्ष्मी तो खाली पेट आई थी और उसको भूख भी लग रही थी और वो बैग लेके जा रही थी बच्चों के साथ भी। तो ये सब माता रानी की कृपा है जो सफ़र इतना प्यारा और सुहाना बनाने के लिए। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये ढलान भरा सफ़र है, देख सकते हैं आप जो ये हाँ हाँ मैं हाथ पकड़ रखा मैंने, हाँ वही था हाँ उठने वाला नहीं। तो मेरी बहन और तो आगे चले गए हैं, तो अभी भी कई लोग माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। तो हमने अभी दर्शन कर लिए हैं, तो हमारी घर वापसी है। और आने से ज़्यादा ना जाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये ढलान भरा रास्ता है और पूरे जंगल में, पूरे रास्ते में पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं जिसमें फिसलने का बहुत डर है। तो अभी मतलब संभल के चलना। आप नीचे देख सकते हैं आप कितनी खतरनाक खाई है, थोड़ा सा पैर फिसला नहीं कि गए नहीं, देख सकते हैं आप कितनी खतरनाक खाई है दोस्तों। लेकिन संभल के चलेंगे, माता का आशीर्वाद है। तो आगे से हमारे साथ के ये सब तो रास्ते लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों माता के दर्शन करके, और यहाँ आके ना मन भावुक सा हो जाता है। चाहे कितना भी कितना कठोर हृदय वाला होगा ना, तो इतनी ऊंचाई पे माता का मंदिर, तो वो देख के ना हर किसी का मन पिघल जाता है। तो वहाँ पे माता ने बहुत सारे भक्तजनों पे मतलब दर्शन भी दिए हैं अपने अलग अलग रूपों में। तो वहाँ पे माता रानी ने दर्शन दिए, तो हमें मतलब उस वजह से और भी ज़्यादा खुशी हुई कि चलो माँ को भी अच्छा लगा कि मेरे इतने सारे भक्तजन आ रखे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं, देख सकते हैं हम, ये भक्ति ही तो है। ऐसे कटीले रास्तों में देखो नंगे पैर चल रहे हैं, तो ये भी तो भक्ति ही है। और ऊपर से लाडू के पापा मामा जी और देवर जी और आ रहे हैं। ए मुन्नू आराम से, हाँ यार ढलान जिन्हें भी तो यह नेटवर्क नहीं छोड़े। लाडू हाथ छुड़ाना नहीं है बेटा, ढलान भरा रास्ता है। यह है हमारी शरारती अनन्या, बहुत शरारती है अनन्या सच में। आज मैंने देख लिया, मैंने सुना ही सुना था आज देख भी दिया।
इसके बारे में भी तो कहो। ये तो बहुत भोली भाली अंशिका है। हेलो अंशिका, आ गई है वो भी। वो भी बहुत लंबे सफर में आ रखी है, दिल्ली से आ रखे हैं वो तो, रात भर का सफर और अभी सुबह फिर माता रानी के दर्शन करने के लिए आए। दोस्तों तो यहाँ हमें मेहंदी के पौधे भी दिख रहे हैं। पहले लोग इसी मेहंदी का प्रयोग करते थे, छोटे छोटे पौधे मेहंदी के भी नजर आ रहे हैं। सृष्टि दोबारा सुनाना, मेरी बेटियां गाना सुना रहे हैं भाई। निहोनिया इनु मिलन की न हो रे पहाड़ी। जय जय बोला जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की। जय जय बोला जय जय बोला तेरु चो सिंह काडू तेरी छतोली रिंगाल की। जय जय बोला जय जय दोस्तों। तो ऐसे माता रानी के जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है और ऐसे में सफर का पता भी नहीं चलता है। लाडो बोलो, बोल लाडो। जय 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 माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों तो आजकल जैसे ही बसंत ऋतु का महीना है, बसंत ऋतु का आगमन है, आज से जैसे कि आपको पता ही होगा तो जो ये बैसाख का महीना है, बसंत ऋतु का महीना है, तो कितने सारे फूल देखने को मिल रहे हैं। तो जिसमें इसकी जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो है बुरांस, भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खिले हुए हैं। कहते हैं कि जिस साल जिस वर्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में बुरांस देखने को मिलते हैं, लाल फूल खिलते हैं, उस टाइम पे जो धान होता है वो अधिक मात्रा में होता है, तो ऐसे कहा जाता है। और जिस ऋतु में फ्यूली के फूल ज़्यादा खिलते हैं तो उस टाइम गेहूं की फसल ज़्यादा होती है। तो देखते हैं, वैसे मुझे बुरांस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फ्यूली तो नहीं नज़र आ रही, रूखा सूखा पड़ रखा है आजकल। हाँ चल हाथ पकड़ के चलो, भागो मत। यहाँ पे एक पेड़ ऐसा है जिस पे कोई टहनी अटकी हुई है, तो बच्चों को लग रहा है वहाँ पे सांप है, बट सांप नहीं है। हाँ मेरे देवर जी को तो नहीं लगता भाई, समझदार है। अभी क्या ठंडी हवा चल के बोया, वही तो। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हाँ अभी मेरे पे ना दो रोटी खा के उड़ जा चिल्लाने की। जय माता दी। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा दे, सीने से लगा दे, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, पहाड़ों में रहने वाली मैया, मेरे सपने सजा दे, रोशन तू करा दे। गोलू आराम से चल, उसका वजन भारी है, बतलम जाएगी नीचे। ए बाबा इधर बाबा, ये वो सती पर नहीं है, बहुत ख्याल रहता है इतना ख्याल रखते हैं, अच्छी बात है, वही तो चाहिए, बाकी क्या चाहिए, है ना पति। ख्याल करने वाला ही होना चाहिए भाई, ख्याल रखने वाला ही होना चाहिए पति। और दोस्तों सब मेरे गोलू को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना, आज हमारे गोलू का बर्थडे है, तो गोलू को ढेर सारी शुभकामनाएं देना और कमेंट सेक्शन में बधाइयां ही बधाइयां मिलनी चाहिए मुझे, ठीक है गोलू। बोलो तो बच्चे माता जी। जय माता दी बोलेगा वो आगे, बोलो बाबू जय माता की बोल। हां बोल दिया। हां बस रुको बेटा आराम से।
और अनन्या थक गई है, थकना भी है रात भर का सफर, और फिर आज तो वो तो पता ही था रोड पे वो इधर वो बना ले ले अच्छे बना रहे थे रुक तो अब मेरे पीयूष देवर जी संभालेंगे डिपार्टमेंट। तो गाइस चलो अभी हम माता दी के दर्शन तो करके आ चुके हैं, अब जा रहे हैं नीचे छोटी दीपा में। तो हाँ छोटी दीपा में हाँ रुको भाई छोटी दीपा अब जाएंगे हम छोटी दीपा में, ठीक है वहाँ पूजा करेंगे। अभी हमने बड़ी दीपा में तो कर ली बट यहाँ चढ़ाई बहुत है लेकिन थकान नहीं आए माता दी की कृपा से। चलो अब दीपा मैया की, 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 मिलकर बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। गाइस देखो ये इतना खोद रखा है, ये सारा भालू ने खोद रखा है गाइस। वो एक ये होता है ना, ये रिंगवाल होता है ना, एक टाइप का एक खाना होता है, तो मतलब इसके अंदर इतने इतने बीज होते हैं, तो उसको खाता है, भालू के फेवरेट फूड होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ ऐसे खोद देता है वो उस रिंगवाल को ढूंढने के लिए, गढ़वाली में रिंगवाल कहते हैं उसे। ये होता है गाइस रिंगवाल, ये देखो कुछ इस प्रकार का होता है, इसको छिलता है भाई, वो इतना दिमाग तो है उसमें, इसको छिलके खाता है वो, मतलब इसके बाहर एक कवर होता है, वो कवर को छिलके तब इसको खाता है वो, ऐसे साइड साइड खोदता है ना। और यहाँ तो भालू को ज़्यादा ही डर है भाई। अरे गाइस क्या बोलते हो गया, अब बताओ क्या बोलना चाह रहे हो, मैं देखो क्या बोलना चाह रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ पीछे व्हाइट व्हाइट फ्लावर है, आप उसको देख दिखाई नहीं दे। अरे व्हाइट फ्लावर और भाभी और तो अभी बहुत ही पीछे है, और तो और एक दो बच्चे सो भी गए हैं, डुगु सो गया, बटे बॉय सो गया है। और भाई आप ये बताओ आप किसका ब्लॉग बना रहे हो, आप ये बताओ। हम सुमन सोनी भाभी के ब्लॉग बना रहे हैं भाई। आप यूट्यूबर हो? यस ब्रो। अच्छा सॉरी गाइस। तो गाइस आप रास्ता देखो क्या एडवेंचरस है, और हमको तो डर भी लग रहा है नीचे जाने में गए। और क्या कहते गाइस, हम दोनों भाई जा रहे हैं घूमने जंगलों में, एक यहां जा रहा है यूट्यूबर। ये देखो भाई इनका भी चैनल है, चैनल का नाम क्या है भाई बोलो। YouTube नहीं बना सौरभ जोशी व्लॉग। हाँ ये स्नैप है, एक नंबर की स्नैप है गाइस, ये एक नंबर की स्नैप है, स्नैपचैट चलाते हैं। चलो 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 हम तो अभी इधर ही हैं, अभी आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं किया हमने, आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं कर रखा है अभी हमने। गाइस यहाँ के पत्थर देखो आप एकदम गिरने लायक हो रखे हैं, अगर ऊपर आएगा ना कोई तो उसका ऐसे पैर पे ठोकर लग गई ना वो सीधे मुंह के बल गिरेगा, है ना भाई। तो देखो कितने खतरनाक है यहाँ पे उग रखे, अभी मैं भी गिरा। आप तो नीचे देखते चलो भाई साहब। तो भाई अपनी पैर ना टूटना है। अरे यार करण भाई ऐसे मत बोलो, और हम तो ऐसे दौड़ दौड़ के चलते हैं गढ़वाली। अब हम आगे जाके थोड़ा आगे में रेस्ट करेंगे, क्योंकि भाभी भाभी और हमने पूरा पेट छोड़ दिया। क्या कहाँ हार गई पूरी दिख रही है कहाँ गई, मेरा डंडा दे दो, आपका डंडा आप छोड़ के आगे गाइस। अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नितिन और पुचकू, और यहाँ पर एक करण भाई, और वो रहा मुनेंद्र प्रसाद यानी कि मुन्नू। ये देखो अब अपने स्नैप के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। देखो ये देखो भाई आईफोन होने का फ़ायदा भाई, आईफोन 15 का फ़ायदा। पुचकू थक अब थकने लग रही ना नीचे जाते वक्त है, नितिन कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये देखो ऐसे करते हैं, और अभी हमने नाश्ता पानी सब कर लिया है, ऊपर के बोलना है वो भी, ऊपर से भैया और सब आ रहे हैं, भाभी और तो आ गए आधे रास्ते में, भैया रुक रखे हैं वो वहाँ पे ऊपर है ना, वो रुक रखे हैं वहाँ पे, वो बातें कर रहे हैं। तो गाइस देखो छोटी वाली भाभी वो क्या नाम है डुगुस हो गया, तो उसे लेके अब पहले जाते वक्त भैया के पास थे, अब भाभी के पास, अब भैया की मजा आ गई, और ये सो गए हैं अभी। आज हैं तीन बच्चे सो गए हैं, एक है डुगू और
हाँ तो थी नहीं थी पर अब आ रहे हैं भाभी और पीछे से, हम तो आधा रास्ते भी कवर कर लिए हैं, अब आ रहे हैं भाभी भैया सब सब अब आ रहे हैं और हम इतने आगे पहुंच चुके हैं। भाभी पुच्छू और मैं साथ में जा रहे हैं, अभी घिर भी गई थी पीछे से बोल रहे हैं रुक जा भाई। देखो भाभी और तो कितने पीछे है अभी हमारे से, पीछे नहीं आ ही गए हैं साथ में लगभग लगभग। और यहाँ देखो क्या बुराज के फूल लगे मुन्ना, ये देखो सब सो गए हैं ऊपर इतना चढ़ चढ़ के। इसका जूता कहाँ गया क्या पता है, जूता भी जोड़ के ये जूता कहाँ गया इसका, क्या था मुन्नू ये कह रहा है, बोल कुछ था यहाँ पे भाभी ये मुन्नू। तो गाइस देखो अभी क्या घना जंगल है यहाँ से, और मैं यहाँ पे अभी रेस्ट करूँगा, बहुत ही ज़्यादा घना है यार यहाँ का जंगल। सबसे ज़्यादा यहाँ बुरास और बांझ के पेड़ सबसे ज़्यादा यहाँ जहाँ तो मैंने देखे हैं, ये देखो ये बुरास बांझ बगल बगल में सबसे ज़्यादा बुरास और बांझ है यहाँ। ठीक है और पहुँचने वाले हम जरा सा रह रखा है 1-1.5 किलोमीटर, और भाभी और वो आ रहे हैं देखो अपनी मस्ती में मगन होके। ये देखो क्या खतरनाक क्या बढ़िया बुरास के फूल लग रखे हैं यहाँ पे, और वहाँ पर भी हैं, ये सबसे अच्छा ये लग रहा है ये वाला पेड़ पूरा भर रखा है फूलों से। और अब मैं पीछे हो गया हूँ, आगे 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 हैं सब और मैं पीछे हूँ, अब हम भी आगे निकलते हैं। और ये रहा एक सही सब बुरास का फूल, इसमें लाल लाल है लाल पूरे एकदम लाल। और यहाँ पर हम ट्रैकिंग करते हुए ट्रैकिंग और अब आने वाला है बस नीचे कुछ ही दूर है। ये देखो गाइस ये देखो गाइस भालू की गुफा कौन सा रास्ता है गाइस, ये मेरे को पता नहीं है कौन सा रास्ता है, बट हम तो अपने जीवा घर के रास्ते पे ही जा रहे हैं, इसी रास्ते आए थे इसी रास्ते जा रहे हैं। सबसे आगे करण भाई और नितिन है ऊपर से आ रहे हैं, और यहाँ पे एक माता का मंदिर पड़ता है, यहाँ पे लोग अपनी चूड़ियाँ चढ़ाते हैं मतलब सिंगार का सामान चढ़ाते हैं। ठीक है ये बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे, और नीचे है यहाँ नीचे गहरी में है भट्टाड़ू गार्ड नितिन का मामा गाँव है ना नितिन। और बुरास के फूल भी इधर सही सही लग रहा है ऊपर। तो गाइज यहाँ पर ये देख सकते हो रेलिंग सही कर रखा है ना जिनने कर रखा है, गिरेगा तो अटक जाएगा पर ऊपर नहीं लगा रखी ना, ऊपर ऊपर भी लगनी चाहिए आराम से। करण भाई गिर गए थे अभी, और यहाँ पे आधे में भी नहीं है इतने में ही है रेलिंग भाई, और नीचे जाके तब हम फोटो शूट करेंगे करण भाई और तब चिज्जी खाएंगे। ये रास्ता ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लिए होगा लेकिन है नीचे के लिए, और यहाँ पे अभी हम रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा है ना। और गाइस ये जो ये रास्ता है सीधे भट्टाड़ू गार्ड के लिए जाता है ये नीचे पूरा रास्ता वहीं पर है भट्टाड़ू गार्ड कह रहा हूँ डांग, ये भट्टाड़ू गार्ड गाइस इतना मेरे को पता नहीं डांग भट्टाड़ू गार्ड के लिए जाता है। बुरा सी जफूद सुआ ये देखो इतना बड़ा हो गया तभी गोदी में जाता है ये नितिन। इस बड़ी मेहनत मुशक्कतों के बाद हम पहुँच गए हैं, ये देखो नीचे रोड भी दिख रही होगी आपको भाई, थकान लगी कि नहीं लगी बहुत। और इधर एक वो कीड़ा बैठा हो वो कर रहा आवाज़ पता नहीं दिखता, वो छुट्टा होता है वो पहुँचने वाले। चलो भाई करण भाई चलते हैं हम, वो तो अभी बहुत ऊपर है लगता है भाभी, और वो जो मैंने वहाँ पे जो सिंगार वाला मंदिर दिखाया था ना आपको वहाँ पे बैठ रखे हैं मेरे को लग रहा है। कितना होता है वो भैया इतना, दीवा भैया की कृपा से सुरक्षित पहुँच चुके हैं हम। और हम यहाँ नीचे तो पहुँच चुके हैं करण भाई मैं और नितिन, और यहाँ पे शादी हो रही है शायद, देखो देखो वो रेगुलर दुल्हन वो और यहाँ पे धोल धमाम वाले ठीक वो वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है उनका। भैया भाभी भाई भी और तो गाइस देखो बच्चा बजा रहा है दमाऊ
पर यहाँ पर भाभी और भी पहुंच चुके हैं नीचे। भाभी थकाई, मेरी ना बहुत हालत खराब हो गई है, थकान लग गई है, पर कोई बात नहीं, अच्छे से माता रानी के दर्शन हो गए हैं। पहुंच गए हैं हम गाड़ी के समीप, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है हमारी नीचे, और अब सबके सब आएंगे। अभी कई लोग पीछे हैं, वो भी आएंगे, फिर जाएंगे हम घर की ओर। तो नीचे देख सकते हैं आप, ढोल धमाका भी बजा रहे हैं लोग। दिखा दिया, हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चाचा अब आ रहे हैं, तो कैसा लगा भैया? भैया कैसा लगा? मैंने कहा अगर गाइड कॉल से करें। भैया कैसा लगा? मां आगे शायद तो कोने में खड़ी है। चाचा पैर बैठे हैं। चाचा कैसा लगा तब? हां और ठीक है ना, तो गाइस हम नीचे पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं हम ऊपर छोटी दीवा में। हां चलो आपको भी दिखाता हूं, ये कुछ इस प्रकार का यहां का रास्ता सी है, यहीं पे है वो, और यहां पे बेल बेल सब रख रखे हैं। जय हो। और ये है छोटी दीवा, कुछ इस प्रकार का है यहाँ का व्यू। फोटो दोस्तों तो यहाँ ये रोड के पास में ही मंदिर है, ये भी दीवा माँ का ही मंदिर है। जो श्रद्धालु ऊपर नहीं जा पाते हैं तो वो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये है माता रानी का मंदिर, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी माँ दीवा की प्रतिमा है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे दोस्तों रोड के समीप है मंदिर, तो जो श्रद्धालु ऊपर दर्शन करने नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पे भी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी माता रानी, इसको ठुल्ली दीवा और छोटी दीवा के नाम से जाना जाता है, ठुल्ली दीवा और कंसी दीवा, मतलब ठुल्ली मतलब बड़ी दीवा। चलो दोस्तों, तो हमारे अच्छे से भी माता रानी के दर्शन हो गए हैं, और दोस्तों अब हम घर के लिए निकल गए हैं। तो अब देखते हैं किस टाइम तक घर पहुंचते हैं, और 2 बजने वाली है, 2 बजे निकले हम यहाँ से लगभग, तो पता नहीं कब तक पहुंचेंगे घर। तो बच्चा पार्टी भी बहुत थक गई है, और आज ना हमारी ही हालत ख़राब हुई थी, लेकिन बच्चों ने बहुत साथ दिया, वो अच्छे से पैदल चल के गए माता रानी के आशीर्वाद से, और पैदल चलने के बाद वापस भी पैदल ही आए, और जाते टाइम भी वो मतलब पैदल ही गए, परेशान नहीं किया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। जय माता दी, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना सभी के ऊपर। आगे जा रहे हैं मेरी बहन और उषा, और पीछे से आ रहे हैं देवर जी और देवर जी औरों की गाड़ी, ये देख सकते हैं आप हैं वही तो मतलब पीछे से देवर जी और आ रहे हैं, और आगे से बहन और जा रहे हैं, तो मतलब लगभग हम तीनों गाड़ियाँ एक साथ चल रही हैं। ये रामनगर वाली गाड़ी आ गई। ये आगे जा रही है उत्तराखंड दिल्ली। सब क्या हुआ? पर क्या करें, होल्डिंग नहीं मिलेगी यहाँ पे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ खैर
बाहर ले जाइए, खिला के दे दो। मेरा आंख का कोटा पूरा हो गया है। देखो यहाँ से बढ़िया व्यू, यहाँ से बढ़िया व्यू लिखते हैं। यहाँ घूमने आएंगे हम तो। मम्मी ऊपर वाले, ऊपर वाले जो था ना वहाँ से बढ़िया व्यू दिख रहा।